Hello everyone, this is Kando and I'm back with a new video. So today I'm gonna share my thoughts on the product that's been a part of my skincare routine. So firstly I'm start करेंगे dry skin type से, क्योंकि मेरा skin type भी dry है. तो जो मेरा skin routine है, three simple step बहुत easy है. Firstly मैं करती हूँ face wash, then moisturizer and sunscreen, जो कि most important है. So firstly हम start करेंगे फेस वॉश से, जो कि मैं यूज करती हूँ सिंपल फेस वॉश, जो कि है मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश. और ये 100% सॉल्ट फ्री है और ये वीगन भी है. और इसमें तो वैसे लिखा है कि फॉर ऑल स्किन टाइप, अगर आपका, पर मुझे लगता है ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये बेस्ट है. और अगर आपको जैसे कि प्रॉब्लम होता है व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत डीपली क्लीन करता है. सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा मॉइस्चराइजर. जो मॉइस्चराइजर के लिए मैं ये रिगुल का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ. और इसमें जो की इंग्रेडिएंट है कैरामाइड हाइलोरोनिक एसिड और मैंगो सीड बटर वाला, जो बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए. और मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर के जो ड्राई स्किन के लिए तो मुझे ये बेस्ट लगा. सो लास्टली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप जो है सनस्क्रीन, ये सनस्क्रीन देख सकते हो. इसमें कवर नहीं है क्योंकि मैंने निकाल दिया हुआ है वैसे तो. ये एकोलॉजी का सनस्क्रीन है, जो कि येलो वाला सनस्क्रीन है. मैं कब से टू टू थ्री ईयर्स में यही यूज कर रही हूँ. और ये मुझे लगता है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यूज करते समय बहुत लाइट लाइट फीलिंग जैसा देता है. और पर ये मुझे इसका एक ड्रॉबैक ये लगा कि मुझे थोड़ा क्वांटिटी कम लगा और 10 बार हमें बार बार रीअप्लाई करना पड़ता है तो जल्दी खत्म हो रहा था. उस वजह से मैंने ही लिया है ये सन गार्ड वाला, जो कि मैक्सिमम जो आउटडोर एक्टिविटीज में जो मैक्सिमम बाहर बैठते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है ये वाला. इसमें क्योंकि इसमें SPF 60 है और ऊपर से आपको ये 100 ग्राम में ना आपको मतलब 300 के आसपास मिल जाएगा, जो कि आपको मतलब लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा टिकने वाला चीज है ये. अगर आपके पास थोड़ा बजट ज्यादा होगा तो आप एकोलॉजी का ले सकते हो, क्योंकि इस एकोलॉजी वैसे तो मुझे एकोलॉजी का बेस्ट लगा है, पर सिर्फ क्वांटिटी और थोड़ा प्राइस में थोड़ा फर्क है ना. अगर आपको सन गार्ड का यूज करोगे तो इसमें ऐसा है, सिर्फ मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक ये लगा कि इसमें थोड़ा सा व्हाइट कास्ट होता है, पर इतना भी नहीं छोड़ता है. तो आप देख सकते हो, आप खुद ही अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं. तो हम ऑयली स्किन के बारे में बात करेंगे. तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास ऑयली स्किन का प्रोडक्ट मैंने कहाँ से लिया वैसा तैसा. तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे जो ब्रदर और सिस्टर है दोनों का ऑयली स्किन है, ऊपर से बहुत सेंसिटिव है और ऊपर से एक्ने प्रोन भी है. तो उनको देख देख के थोड़ा मुझे उनके बारे में, उनकी स्किन के बारे में, ऑयली स्किन के बारे में थोड़ा पता लग गया है. तो ऑयली स्किन के लिए मैं फर्स्ट स्टेप जो मैं बोल रही थी फेस वॉश के लिए, फेस वॉश के लिए आप रिफ्रेशिंग फेशियल फेस वॉश जो सिंपल का यूज कर सकते हैं. और आप वैसे तो मैंने जो ड्राई स्किन के लिए बोला था ना, बताया था, वो भी आप यूज कर सकते हो. पर उसमें डिफरेंस क्या है कि अगर आपको मॉइस्चराइजिंग फील चाहिए हो तो आप ये वाला लगा सकते हो, अगर आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग फील चाहिए हो तो आपको ये लगा सकते हो. तो आपका चॉइस है ये. तो मुझे ये फेस वॉश का मुझे बेस्ट ये लगता है ना कि ये बहुत ही डीपली क्लीन करता है. हम लोग नॉर्मली दूसरा फेस वॉश यूज करते हैं तो ऐसा होता है कि थोड़ा ऊपर ऊपर से ही ऐसे क्लीन कर रहे जैसा फीलिंग आता है ना, पर इसमें ऐसा होता है कि बहुत डीपली क्लीन करता है और आपको इसको डायरेक्ट रेंज नहीं करना है, आपको थोड़ा टाइम तक रखना है, तब आपको इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा. सो ऑयली स्किन के लिए जो मेरे सिबलिंग्स यूज करते हैं और रिक्यूल का यूज करते हैं वो लोग भी, पर ऐसा है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट है और ये जो ड्राई स्किन के लिए इंग्रेडिएंट है बिल्कुल डिफरेंट है. और इसमें जो इंग्रेडिएंट है अल्फा बीसाबोलर, बिटानिन और ग्लाइसिन मिलेगा, जो कि ऑयली स्किन के लिए थोड़ा लाइट है मॉइस्चराइजर. सो सनस्क्रीन के लिए जो यूज करते हैं ये एकोलॉजी का यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लाइट वेट भी रहता है और ऊपर से ऐसा कि आपको चेहरा सेंसिटिव, आपको सेंसिटिव थोड़ा स्मेल से प्रॉब्लम होता है, तब इसमें परफ्यूम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्मेल फ्री है. तो ये मुझे लगता है थोड़ा सही रहता है. या तो इसके सिवा आप दूसरे मार्केट में जो भी देख सकते हो जो आपको स्किन को सूट करे, जो लाइट वेट हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके बाय.